केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM के अररिया जिला अध्यक्ष रहमत अली को कई थाना पुलिस ने बदनाहा के चकोरबा स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया। पुलिस ने कोई पदाधिकारी इस मामले में कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि ये नेता को पकड़ने की इस कार्रवाई पर हंगामा मचा हुआ है। बता दें कि AIMIM नेता पर अररिया और किशनगंज में कई केस दर्ज हैं। दरअसल शुक्रवार की सुबह अररिया RSOP क्षेत्र के हरियाबार से खड़े ट्रक से तेल चोरी करते हुए आरोप में ट्रक समेत दो लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार ट्रक ड्राइवर ने पुलिस को बताया कि ट्रक AIMIM के जिला अध्यक्ष रहमत अली का है। उसके बाद कई थाना पुलिस चकोरबा गांव पहुंचती है, जहां से रहमत अली को गिरफ्तार कर अररिया टाउन थाना लाकर हाजत में बंद कर दिया गया। इस मामले में अररिया के पुलिस का पक्ष अभी तक सामने नहीं आया। तो वहीं AIMIM समर्थक का कहना है कि किशनगंज जिले के जदयू नेता मास्टर मुजाहिद से किसी बात को लेकर अनबन हुई थी, जिसके बाद मास्टर मुजाहिद की तरफ से किशनगंज साइबर थाने के एक केस रहमत अली के खिलाफ दर्ज किया गया था। नेक्स्ट, केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।